लिखने के लिए आपने स्टार्टिंग से छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी आपका जैसे एल्केन होता है, वहाँ तो छोटी क्लास में आपने छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप और उनके वर्ड रूट और उनके सफिक्स के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे इतने सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखा दिए, अब हर टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप है उनके अकॉर्डिंग नेमिंग अलग अलग टाइप से होगी, ठीक है? तो हमारे पास कुछ एक टाइप से रूल ही बोलूँगा मैं उनको। सबसे पहले यहाँ पे होते हैं प्रेफिक्स, ठीक है? प्रेफिक्स होता है, प्रेफिक्स के बाद होता है यहाँ पे वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद होता है सफिक्स, ठीक है? अब जो आपके प्रेफिक्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, जो प्रेफिक्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी हो गया आपका या फिर आपका सेकेंडरी हो गया। ये प्राइमरी होते हैं, जो प्राइमरी आपके प्रेफिक्सेस होते हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, एक्ट एज साइड चेन, जिनको क्या बोलते हैं हम, सब्सट्रेंट, सब्स ट्रीटमेंट, ठीक है? जैसे आपका NO2 हो गया, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, नाइट्रो। उसके बाद आपका CH3, ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। उसके बाद आपका CH2, CH3, ये क्या हो गया आपका, इथाइल हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे और लिखे हम, ये आपका बेंजीन रिंग, और एक साइड से आपकी जो कैविटी खाली है एक साइड चेन के रूप में काम करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो ये है आपका प्राइमरी, 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड डिग्री, 2 डिग्री की बात करें, तो 2 डिग्री में आपका जितने भी जो साइक्लो कंपाउंड होते हैं, जैसे मान चलो विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब जो आपके कार्बन एटम किसी भी साइक्लिक फॉर्म में हो सकते हैं, तभी वे प्रेफिक्स में। देखो आपके जैसे एग्जाम्पल में साइक्लो हो गया आपका, बाई साइक्लो हो गया, और या फिर आपका स्पायरो कंपाउंड हो गया। तो ये क्या होते हैं, इनकी जब नेमिंग करते हैं तो साइक्लो बाई साइक्लो कंपाउंड्स की, तो इनको हम प्रेफिक्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो प्रेफिक्स हो गया 1 डिग्री और 2 डिग्री। अगर हम वर्ड रूट की बात करें, तो वर्ड रूट में बेसिकली आपका ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी आपकी पेरेंट चेन होती है, अभी पता चल जाएगा कि पेरेंट चेन होती क्या है, विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। जो आपकी पेरेंट चेन होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो क्या कहलाता है, वर्ड रूट। आप जानते भी होंगे, अगर आपका कार्बन 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। अगर आपका कार्बन 2 है तो क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। कार्बन आपका 3 है तो क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। कार्बन 4 है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। कार्बन 5 है तो क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और कार्बन 6 है तो क्या बोलते हैं, हेक्स। कार्बन 7 है तो क्या बोलते हैं, हेप्ट। कार्बन 8 है तो क्या बोलते हैं, ऑक्ट। कार्बन 9 है तो क्या बोलते हैं, नन। और कार्बन 10 है तो क्या बोलते हैं, डेक। कार्बन 11 है तो क्या बोलते हैं, अनडेक। कार्बन 12 होते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, डोडेक। वैसे अपने सिलेबस में केवल और केवल अप टू फ्रॉम 1 टू 10 ही है, लेकिन आगे भी आपको कोई मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है? आगे हायर क्लासेस में होते हैं ये, लेकिन आपको केवल और केवल 10 तक ध्यान रखना है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन एंड डेक। उसके बाद अगर हम सफिक्स की बात करें, तो सफिक्स ही बेसिकली आपके 1 डिग्री भी होता है और 2 डिग्री भी होता है। अगर मैं 1 डिग्री सफिक्स की बात करूं, तो 1 डिग्री सफिक्स वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, दीज रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग नेचर इन कार्बन एटम्स, कार्बन
एटम्स, जो आपके कार्बन होते हैं पेरेंट चेन के अंदर, उनके कार्बन एटम के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री। जैसे आपका एन हम लगाते हैं तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, ई एन ई होता है तो उसमें डबल बॉन्ड लगाते हैं, और वाई एन ई होता है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, आपके 1 डिग्री सफिक्स के रूप में काम करते हैं। अगर हम 2 डिग्री सफिक्स की बात करें, तो 2 डिग्री सफिक्स में आपके जितने भी मेन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो सभी 2 डिग्री सफिक्स होते हैं। जैसे हम बात करें OH हो गया किसी के लास्ट में, तो ये इसका नेमिंग किस टाइप से लिखते हैं, O लिखते हैं हम, सी डबल OH होता है तो ओइक एसिड लिखते हैं, NH2 एमिनो होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एमिनो हो गया, और जैसे आपका CO हो गया, ये आपका ईथर होता है, और ऐसे भी बहुत सारे आपके ईथर, उसके बाद अगर हम CO की बात करें तो ये कीटोन होता है, जिसमें हम ONE लगाते हैं, लास्ट में, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा, ये आपका मेन एक रूल होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को IUPAC के अकॉर्डिंग लिखने का, जिसमें आपका वर्ड रूट, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें वर्ड रूट और सफिक्स तो होगा ही होगा, इनके बिना कोई भी IUPAC के अकॉर्डिंग इनके बिना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 1 डिग्री सफिक्स की और आपका वर्ड रूट की। 2 डिग्री सफिक्स हो या फिर प्रेफिक्स हो, ये मैं और मैं नोट भी, ये चले हैं या फिर नहीं है, ये होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होता है आपका IUPAC का एक रूल, जिसमें आपको वर्ड रूट प्रेफिक्स प्लस के वर्ड रूट प्लस के सफिक्स आपको ये ध्यान रखना है, अभी सीख जाओगे। उसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं IUPAC के, जो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराने वाला हूँ। अब देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, जब आप नेमिंग करते हैं IUPAC नेमिंग, तो रूल मैं एक साथ नहीं लिखा रहा हूँ, जो बीच बीच में जो रूल्स काम आएंगे अपने, अगर एक साथ हम उनको लिखा दें तो काफ़ी बोरिंग सा लगता है, ठीक है। तो बोरिंग हमें अपने लेक्चर को बनाना नहीं है, इंटरेस्टिंग बनाना है, और जो भी चीज़ें साथ के साथ मुझे याद आती चलेंगी वो मैं आपको यहाँ पे कवर कराता चलूँगा। तो रूल नंबर पहला कहता है IUPAC का सबसे पहले कि सेलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पहला तो यही है कि आपको कार्बन चेन किस टाइप से सेलेक्ट करनी है, तो कार्बन चेन आपको वो सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं। पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज ए पेरेंट चेन विच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे वो आपको एक पेरेंट चेन के रूप में क्या करनी है, मेन चेन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर उसमें आपने कोई दो चेन सेलेक्ट कर ली, दो चेन में आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए, तो उसके बाद क्या होगा, हम उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज होती हैं। क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज होती हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in different type of या विद different chains, then we select a parent chain where the maximum number of branches
मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, ठीक है। ये आपका सेकंड रूल है। अब देखो मैं कुछ एक उदाहरण लेके चल रहा हूं, जैसे आपका CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH2, CH3। यहाँ पे मैं लटकाता हूँ CH2, CH2, CH3, ठीक है। अब इसमें आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। देखो अगर मैं स्ट्रेट जाऊँ तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ तो कितने कार्बन नंबर की एटम की चेन आ रही है, बोलो कितने कार्बन की, 7 कार्बन की आ रही है। उसके बाद देखो इसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इससे कहाँ पे आ रही है, 8वें कार्बन पे आ रही है ना। देखो यहाँ से यूँ ये वाली चेन में सेलेक्ट करूँ तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 8 कार्बन। तो आपको वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं। क्या रहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं। आपको ये तो कार्बन नंबर के मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन रहेगी, ठीक है। तो देखो यहां से अगर हम काउंटिंग करें तो कितने पे आ रही है, 8 कार्बन पे आ रही है ना। तो ये क्या बन जाएगी, इसमें फिर साइड चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, साइड चेन। और साइड चेन हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो साइड चेन में कार्बन एटम्स होते हैं या फिर कोई भी फंक्शन, कोई भी आपका प्रेफिक्स या फिर सब प्रेफिक्स होता है, वो आपका मिनिमाइज हो जाए नंबर के अंदर, ठीक है। इसीलिए हम किसका सिलेक्शन करते हैं, साइड चेन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर में आपका पेरेंट चेन हम रखते हैं, उसके बाद साइड चेन होगी। साइड चेन में जैसे मान के चलो आपका एल्केन तो पता ही होगा आपको, एल क्या यहाँ पे वर्ड रूट है, क्या है, वर्ड रूट है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कार्बन नंबर की संख्या को। एन क्या यहाँ पर सफिक्स है, और सफिक्स भी कौन सा है यहाँ पे, 1 डिग्री सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स है। अगर देखो CH4 है आपका, CH4 नाम क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। अगर मैं CH3 बोलूं तो क्या बनेगा, ईथेन बनेगा, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। अगर हम सी बॉन्ड लाइन नोटेशन ही दे देखो इस टाइप से, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। उसके बाद देखो इस टाइप से बोल दें तो फिर क्या बनेगा, ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन। उसके बाद अगर हम बात करें ये क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या मुझे आप डेकेन बता सकते हो, डेकेन कैसे बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10 इस टाइप से, ठीक है। चाह बेंट हो रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपकी, क्या है, डेकेन। क्या है, डेकेन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ और एग्जांपल से, जहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। कुछ मैं आपके लिए कंपाउंड्स लिख रहा हूँ जहाँ पे आपको मेन पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आपने इन सभी कंपाउंड्स के अंदर आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। देखो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो तो मैंने आपके लिए रूल्स में लिखा ही दिया। खैर रूल नंबर फर्स्ट देखिए, देखो कार्बन संख्या अगर हम इधर वाली देखें, ये वाली, तो कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे, 4 कार्बन आ रहे हैं। अगर इस वाली को छोड़कर मैं इधर वाली को सेलेक्ट करूँ तो कितने आएंगे, तब भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो आप या तो येल्लो चौक से ड्रॉ किए मैंने उसको भी ले सकते हैं, या फिर आप रेड चौक वाली को भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस वाली को सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, इसकी साइड चेन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखो, अगर हम स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने कार्बन की चेन आ रही है, 9 कार्बन की चेन आ रही है। अब देखते हैं इधर की साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कार्बन से ये वाली आ रही है। अगर मैं ये वाली सेलेक्ट करूँ तो कितने कार्बन की आ रही है, 8 कार्बन की। कितने की आ रही है, 8 कार्बन की। अगर हम और कुछ पॉसिबिलिटी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8
तब भी कितने की आ रही है, 8 कार्बन की। यानी कि आपकी जो मेन पेरेंट चेन बनेगी वो कितने कार्बन की बनेगी, मैक्सिमम कार्बन, और मैक्सिमम कार्बन कहाँ पे है, 9 कार्बन वाले। कितने कार्बन वाले, 9 कार्बन वाले। तो ये आपका राइट सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग है। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6